तेज पत्ता हमारा देखिए थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया गाइस, ये देखो, इसको हम करेंगे टेस्ट। इट्स डिलीशियस। हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं बनाने जा रहा हूँ एक स्पेशल डिश। आज छुट्टी का दिन है तो हम आज बनाएंगे चिकन करी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहले हम डाल लेते हैं थोड़ा सा ऑयल अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो ये ऑयल मैंने डाल दिया है गाइस। तो देखिए अपनी प्रिपरेशन हमारी रेडी है। हमने प्याज चॉप कर दिया है, अनियन चॉप कर रखा है, साथ में देखिए चिली है और ये है टोमेटो और ये साथ में जो मसाला है इसको मैंने ग्राइंड कर दिया है। ये है गाइस तेज पत्ता, ये, और ये देखिए अपना चिकन ये है रेडी। वॉश करके इसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है गाइस। जो आप ये देख रहे हो ये जो पेस्ट है ये है आपका गरम मसाले का पेस्ट। इसमें है लहसुन, अदरक और जीरा और बाकी गरम मसाला मिक्स करके जो भी चीज़ थी इंग्रेडिएंट इसमें डाल के हमने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। यही होगा हमारा टेस्ट इन्हेंसर। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ गैस ऑन। हो जा भाई ऑन। गैस हमारी ऑन हो गई है और उसके साथ में मैं रख लेता हूँ ये अपना। तो गैस हमारी गैस ऑन हो गई है, उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल और उसके साथ में अब देखो इसको थोड़ा सा हम डाउन कर लेते हैं, नॉर्मल आंच में रख लेते हैं। नॉर्मल आंच में रख के हम इसको ऑयल को गर्म करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये आपका तेज पत्ता। तेज पत्ता दोस्तों ये जो है जो फ्रेगनेंस लेके आएगा चिकन में, इसका मज़ा ही अलग है। साथ साथ में मेरी जो कॉफ़ी है ब्लैक वो भी रेडी है, उसके भी सिप लेते रहते हैं। गाइस मैं चिकन की प्रिपरेशन करता हूँ जनरली छुट्टी के दिन, जब छुट्टी होती है छुट्टी के दिन ही टाइम मिल पाता है। अदरवाइज ऑफिस आवर्स में या वैसे तो आप या तो बाहर से मंगा के खा लो या ऑफिस में आप ऑर्डर करके खा लो, बट घर पे जो अपने हाथ का बनाया हुआ चिकन है ना उसका जो मज़ा है ना वो आपको बाहर आप होटल में कितने अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ भाई वो मज़ा नहीं आता है। तो मेरे को तो घर पे बना हुआ नॉनवेज स्पेशली वही सबसे बेस्ट लगता है गाइस। अब ऑयल हो गया है गरम तो इसमें डालेंगे हम तेज पत्ता। ये हमने तेज पत्ता हमारा देखिए थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया। अब इसमें डाल लेते हैं हम प्याज और इसकी साउंड सुनिए आप, क्या साउंड है, जो मज़ा है ना प्याज का। ये है दोस्तों स्पेशल अनियन है, ये है नागपुर का अनियन जो बॉम्बे में इजीली अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। बिकॉज नागपुर से जो अनियन जाता है वो उसकी जो क्वालिटी है ना वो एक स्पेशल मतलब रेडिश रहता है वो बाहर से। तो उसका जो जब आप उसको कट करोगे तो आपके आईज से जो है ना आंसू आने लग जाएंगे बिकॉज वो इतना तेज़ होता है और स्पेशली नॉनवेज के लिए बहुत बढ़िया रहता है ये अनियन। तो गाइज अनियन हमने डाल दिया है, इसको थोड़ा थोड़ा स्टेयर कर लेते हैं बिकॉज जल जाएगा ये अदरवाइज। धीमी आंच में आपने हम अनियन को थोड़ा सा इसमें ब्राउन होने देंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद हम बाकी इसमें स्पाइसेस डालेंगे 1 by 1। तो ये प्रिपरेशन है फ्रेंड्स। देखो जब बैंक वाले को छुट्टी मिलती है ना तो देखो क्या मतलब अपने लिए जो डिश है ना जो आज मैं बना रहा हूँ, तो अब देखो इसका मज़ा ही अलग है। तो गाइस जो हमारा अनियन है वो हो गया देखिए हल्का सा रेडिश ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है, उसको हम डाल देते हैं। इस पेस्ट के बिना काम नहीं चलेगा तो ये पेस्ट मैंने डाल दिया है। ये जो अपना पेस्ट है फ्रेंड्स ये गया। अब इसको हम हल्का हल्का धीमी आंच में भून लेंगे और इसको हल्का हल्का पकने देंगे। जब ये स्पाइसेस जो मसाले हैं ये जिंजर गार्लिक पेस्ट के पक जाएंगे तो उसके बाद हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। तो गाइस ये मसाला अपना हो गया है गरम, गैस भी हो गई है काफ़ी तेज़, तो मैं इसमें डाल देता हूँ सबसे पहले टमाटर। भाई आप लोग डिफरेंट टाइप से बनाते होगे चिकन में भी, बट अपना जो स्टाइल है ना बनाने का वो यही है, ये पूरा देसी स्टाइल है। तो ये है आपका देसी स्टाइल चिकन। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे चिकन को प्रिपेयर करते हो, कैसे बनाते हो, और चिकन अगर आप जब बनाते हैं तो उसमें आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। मीन्स बटर चिकन है या कढ़ाई चिकन है या कोई और जो वैराइटीज़ है चिकन की डिफरेंट। दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन उनके लिए तो भाई ये देखो चिकन और मटन तो लाइफ है। तो अगर आप लोगों को कुछ अलग आप तरीके से बनाते हो यार, कमेंट सेक्शन में अगर रेसिपी है तो प्लीज़ मेरे को भी शेयर करो ताकि मैं भी अगली बार जब बनाऊंगा तो ट्राई करूंगा। तो गाइस अब थोड़ा सा मसाला डाल लेते हैं, नमक डालते हैं और इसको कर लेते हैं स्टेयर। गाइस गरम मसाला और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के अब इसको इतनी देर आपने भूनना है कि जब तक ये ऑयल ना छोड़े। तो जब तक ये धीरे धीरे धीमी आंच में करना है, स्लो में, तेज करेंगे तो जल सकता है। तो ये मेरा वे है चिकन प्रिपेयर करने का। देखिए धीमी आंच में मैं इसको भूनूंगा, स्लोली स्टर भी करता रहूँगा ताकि जले ना, बिकॉज खाना तो हमने है भाई, चिकन तो टेस्टी तो बनना ही चाहिए ना। गाइस अब हमारा मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें डालेंगे चिकन के पीसेस। तो मैं डाल लेता हूँ फटाफट चिकन पीस और इसको हम तब तक थोड़ा सा भुनेंगे इस मसाले के साथ में, जब तक कि ये थोड़े वाइटिश ना हो जाए। वाइट हो जाता है और बोन से जब तक फ्लैश जो है चिकन का वो छूटने ना लग जाए तब तक इसमें इसको हमने भुनना है। गाइस देखिए चिकन अब धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो रहा है। जब तक ये बनने की प्रोसेस होती है देखिए हम क्या गाइस जब मेरा चिकन बनने लगता है ना, देखो आप देख रहे हो, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक प्लेट लेता हूँ और उस प्लेट को मैं इसके ऊपर रख देता हूँ ऐसे। ये प्लेट हमने इसके ऊपर ऐसे रख दी और मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा ना, तो ये जो पकेगा ना प्रॉपर अच्छी तरह से पकने लग जाएगा। ये देखो मैंने इसमें पानी डाल दिया है और ये मैंने ढक दिया है। जो मेरा जनरली मैं बनाता, देखो प्रेशर कुकर है मेरा, प्रेशर कुकर में इसको खोल के ही बनाता हूँ। तो अब ये धीरे धीरे कुक होना स्टार्ट होगा और हमारा डिलीशियस चिकन दोस्तों बन के रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में। जब रेडी होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है। तो गाइज आफ्टर सच अ लॉन्ग प्रिपरेशन और वेट करने के बाद अब मेरा चिकन हो गया है रेडी। देखिए चिकन हमने कर दिया है रेडी। देखिए गाइज चिकन हमारा हो चुका है रेडी और कितना डिलीशियस लग रहा है। इट्स वेल कुक्ड, अच्छी तरह बन चुका है। गाइज अब हमारा हो गया है चिकन कुक। अब हम टेस्ट कर लेते हैं, देखिए कितना वेल कुक्ड हुआ है कि नहीं, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। गाइज ये देखो, इसको हम करेंगे टेस्ट। इट्स डिलीशियस, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया से कुक हुआ है। थोड़ा सा सॉल्ट कम है, थोड़ा सॉल्ट डाल लेते हैं। तो गाइज अब है अपना चिकन है वो रेडी और हम खाने के लिए बैठ चुके हैं भाई। ये अपनी मेहनत का नतीजा है, अपनी देखो पूरी मेहनत के बाद ये अपना चिकन, अपना राइस, सैलेड और ये सब रेडी हो चुका है। हाउ डिलीशियस इट्स लुकिंग, और क्या चिकन कितना डिलीशियस लग रहा है आप पास से देख सकते हैं। हमने थोड़ी सी राइस कुक करी है, चपाती और ये है सैलेड। सैलेड में मैंने हल्का सा सॉल्ट और पेपर डाला है और थोड़ा सा इसमें हम नींबू निचोड़ते हैं और ये हमारा जो खाना है, जो चिकन है वो हो चुका है रेडी। और ये है ग्रीन चिली, ग्रीन चिली का मज़ा, अगर इसमें थोड़ा सा स्पाइस कम रह जाएगा तो हम यहाँ से पूरा कर लेंगे। तो गाइज आज का ये ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।